नमस्कार सभी साथियों को। नाम अश्वनी उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से ये नाम काफ़ी चर्चा में है। जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट करना इस शख्स के लिए दुखदाई हो गया। बात यहाँ तक कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बात करते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर। तो एक ये जो मुद्दे विशेष को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूं तो देश में तरह तरह के प्रोटेस्ट, धरने, जुलूस, प्रदर्शन चलते रहते हैं और बाकायदा वो प्रदर्शन जुलूस सुर्खियों में नहीं भी आते। ये शख्स सुर्खियों में क्यों आए हैं? क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है कि आपने भड़काऊ भाषण या ऐसी कुछ सामग्री वहाँ उस प्लेस से पब्लिश हुई है। इनके साथ साथ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा इनका एक वीडियो आया है। ये बाकायदा देश के लोगों से अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं एक सामान्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था और बाकायदा कह रहे हैं मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है, क्योंकि प्रोटेस्ट और भी होते हैं। अभी उन्होंने तिहाड़ जाते जाते काफ़ी कुछ बातें कही हैं, वो वीडियो आपने देखा होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और अन्य जो एडवोकेट हैं, लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनसे मार्मिक अपील की है कि आप सभी को एकजुट होकर समान संविधान, समान संहिता, शिक्षा और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए एकजुट होने की अपील की है, उनका पक्ष रखने की अपील की है। मामला यहीं शांत नहीं होता है। उसके बाद उनको गिरफ्तारी के बाद ट्विटर पर काफ़ी ट्वीट वायरल होते हैं, हैशटैग वायरल होते हैं। इसमें 70,000 प्लस ट्वीट हो चुके हैं आज के दिन की बात की जाए और हैशटैग चला है अश्वनी उपाध्याय को रिहा करो करके। और इसी मुद्दे को लेकर काफ़ी मीम भी बनाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि इनका भड़काऊ है तो अन्य जो प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें नारे लगते हैं तरह तरह के, वो किस एक्ट में आएंगे, क्या उनको भड़काऊ नहीं लिया जाएगा? तो ये काफ़ी मीम भी बनाए गए हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अभी फेसबुक की बात की जाए और बात की जाए यूट्यूब की, अश्वनी उपाध्याय की जो रिहाई और अरेस्ट का इशू है, प्रोटेस्ट का इशू है, जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है उसका इशू है, ये न्यूज वायरल है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा होगा। अश्वनी उपाध्याय को आप पहले से जानते हो या नहीं जानते हो? अश्वनी उपाध्याय जो मुद्दे उठा रहे थे, जो इनका जो प्रोटेस्ट करना था वो सही था या गलत था, इनको गिरफ्तार कर लिया अचानक से ही, वो कहीं ना कहीं सवाल या निशान पैदा करता है या नहीं? इनका प्रोटेस्ट अगर भड़काऊ था तो उसके साथ साथ काफ़ी प्रोटेस्ट हमारे देश में होते रहते हैं, हुए भी हैं, और धरने प्रदर्शन के अनुसार काफ़ी तरह तरह के नारे भी लगे हैं। तो उनको ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक ये भी सवाल पैदा होता है। आपके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, हमें ज़रूर बताएं। इसमें गलत कौन है ये ज़रूर बताएं। और ये जो मुद्दे थे
इनको लेकर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आप उनके साथ हैं या उनके मुद्दों से हटकर आपके विचार हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।